हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग। आज हम बनाएंगे गुजरात की फेमस बाकरवड़ी। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे वो हमने लिए हुए हैं। हाफ कप हमने लिया हुआ है मैदा, हाफ कप लिया हुआ है हमने बेसन, 1/4 टीस्पून लिया हुआ है हमने हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने लिया हुआ है गरम मसाला, हाफ टी स्पून हमने लिया हुआ है लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टी स्पून हमने लिया हुआ है जिंजर पाउडर सॉल्ट। ये हमने लिए हुए 8 से 10 बादाम जिनको बहुत बारीक चॉप करके रखा हुआ है, 1 टेबल स्पून लिए हुए हैं हमने तिल, 1 टेबल स्पून हमने लिए हुए हैं नारियल पाउडर, 1 टीस्पून हमने लिए हुए चीनी, 1 टीस्पून हमने लिया हुआ है नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। ये हमने लिए हुए 1 टेबल स्पून खसखस, 1 नींबू का रस लिया हुआ है, 1 टीस्पून हमने लिया हुआ है जीरा, 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे हम मोयन के लिए। ये हमने बाकरवड़ी को डीप फ्राई करने के लिए ऑयल लिया हुआ है। सबसे पहले हम बाकरवड़ी बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। उसके लिए हम लेंगे मैदा, बेसन, नमक। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून मोयन ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम हाथों की हेल्प से इसको अच्छे से ऑयल को कोट कर लेंगे। इस तरीके से रब करते हुए ऑयल मैदा और बेसन में अच्छे से कोट हो चुका है। अब हम इसको हल्का सा बाइंड करके देखेंगे। इस तरीके से हमारा ये बाइंड होना चाहिए। तो हमारा मोयन प्रॉपर लगा हुआ है इसमें। अब हम इसे पानी की हेल्प से थोड़ा सा पानी डालते हुए एक डो तैयार करेंगे, सॉफ्ट डो। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। डो हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और इसको 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए इसी तरीके से हम ढक के छोड़ देंगे और इतने हम अपना मसाला तैयार कर लेंगे। एक पैन लेंगे और उसको गर्म कर लेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, लो फ्लेम कर देंगे हम। इसमें जीरा ऐड करेंगे और जीरा को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अब इसमें तिल ऐड करेंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है। कद्दूकस किया हुआ नारियल, खसखस, इन सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे इसी तरीके से। बारीक कटा बादाम भी इसमें ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं, वरना इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। मुझे ये बाकरवड़ी में पसंद है इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा हमने इनको रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें धनिया पाउडर, मिर्च और जिंजर पाउडर भी ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। चीनी भी ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। सभी मसाले हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, बचा हुआ इसमें नमक भी ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे।
हमें इसका बारीक करना है थोड़ा सा, जिससे ये हमारी भाकरवड़ी बेलते हुए उसमें फटे नहीं। मसाले को हमने पीस लिया है, अब डो भी हमारा तैयार हो चुका है। डो को थोड़ा मसलते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। इसको राउंड घुमाते हुए एक लोई की तरह शेप देते हुए तैयार कर लेंगे। हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। इस तरीके से हमें इसे रोटी की शेप देते हुए बेल लिया है। हमें इसे इतना मोटा रखना है बस। अगर हम इसे ज़्यादा पतला करेंगे तो ये राउंड करते हुए फट जाएगा। अब हम इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। इस तरीके से लगा देंगे नींबू का रस। अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला चारों तरफ फैलाते हुए इक्वल करते हुए इसको फैला देंगे चारों तरफ। हमने मसाले को चारों तरफ फैला दिया है। हल्का सा इसको प्रेस करते हुए इसमें सेट कर देंगे। अब हम इसे हल्का हल्का फोल्ड करेंगे इस तरीके से उठाते हुए राउंड घुमाते हुए। इसी तरीके से इसे फोल्ड करते जाएंगे। हल्का सा नींबू का रस लगाएंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाए और सेट हो जाए। यहाँ पे हल्का सा प्रेस करते हुए इसको राउंड घुमाते हुए इस तरीके से दबाते हुए हल्का सा इक्वल कर लेंगे। इसको यहाँ से बंद कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से एक एक पीस को उठाते जाएंगे और इस तरीके से सेट कर लेंगे हम इसे हल्का सा दबाते हुए। हाथ से हम इसे सेट कर लेंगे जिससे ये हमारा डीप फ्राई करते हुए खुले नहीं। तरीके से हमें इसे दबाते हुए सेट कर लेंगे। सभी को इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले सभी भाकरवड़ियों को हमने काट लिया है। अब हम ऑयल को गर्म करेंगे और फ्लेम को हम हाई रखेंगे। ऑयल गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, फ्लेम को हम लो कर देंगे और हल्का सा डो देखेंगे इसमें डालकर। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इनको मीडियम फ्लेम पर ही डीप फ्राई करेंगे। एक बार में जितनी कढ़ाई में आएंगी उतनी हम डीप फ्राई कर लेंगे।
बाकी बची हुई बाकरवड़ी को हम इसमें ही ऐड कर देंगे और सभी को एक साथ डीप फ्राई कर लेंगे। सभी बाकरवड़ी की हम साइडों को चेंज कर देंगे। एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हमें दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हमें इन्हें लो फ्लेम पे ही डीप फ्राई करना है। सभी भाकरवड़ी हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको अलग निकाल लेंगे। हमें इन्हें अच्छे से क्रिस्पी करने के लिए लो फ्लेम पे ही बनाना है, जिससे अच्छे से अंदर से कुक हो जाए। सभी बाकरवड़ी बनकर हमारी तैयार हो चुके हैं। बाकरवड़ी हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आई होप कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।